हेलो दोस्तों, चलिए दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में आप देख रहे हैं कि हम लोग आए हैं उत्तराखंड के एक बैराज पर जो कि गूलर गोज डैम के नाम से जाना जाता है और एक ये बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पीछे आप अगर देखेंगे तो आपको ये देखिए वोटिंग होती हुई भी नज़र आएगी। ये देखिए एक वोट आ रही है, ये वोट आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए। और बहुत सारी यहाँ भीड़ भी है, ये देखिए मेरे पीछे, ये देखिए। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का, चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए पूरा डैम घूमते हैं। और अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और इस वक्त हमारे साथ हैं ये सूर्या, हेलो करो। ठीक, तो चलिए अब पूरा डैम देखते हैं और बैक कैमरे से मैं आपको पूरा डैम दिखाता हूँ। दोस्तों ये हम यहाँ से अंदर चलते हैं और ये देखिए ये चारों तरफ लोग हैं। और ये मैं आपको पानी का नज़ारा यहाँ से दिखा दूँ, ये देखिए। और ये बोट खड़ी हैं, इसी में लोग घूमते हैं। आगे पूरा बैराज है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ अगर आप घूमना चाहते हैं तो उसके पूरे प्राइस दे रखे हैं। स्पीड बोट के 10 मिनट के लिए 25 रहे हैं और जेट की 2 किलोमीटर का एरिया घुमाते हैं ये, और 250 रुपये पर पर्सन लेंगे। और पूरा एक ये चार्ट दे रखा है, आप इसे देख सकते हैं। अगर कभी आपको आना हो तो आप ये आएँ। और ये टिकट घर है, आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं। और टिकट लेने के बाद ये इनकी मेन एंट्री है। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से उन्हीं लोगों की एंट्री होती है जिनके पास ऑलरेडी टिकट होता है। और फ़िलहाल मेरे पास टिकट नहीं है, इसलिए मेरी अंदर एंट्री नहीं है, तो मैं आपको बाहर से ही पूरा दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ से आपको पूरे प्लॉट्स वगैरह मिलते हैं और उसके बाद ही आपको वोट में बैठने दिया जाता है। और ये पूरा एक फोर्ट बना है जहाँ से आप एंट्री लेते हैं। ये देखिए एक ये मोटर बोट है जिसमें लोग बैठकर अभी गए हैं, ये पूरा 2 किलोमीटर का चक्कर लगा के वापस आएंगे। और ये साधारण बोट है, हाँ ये भी देखिए एक मोटर बोट है, साधारण नहीं है। अभी ये चलेगी, ये देखिए ये बोट अब स्टार्ट हो चुकी है। और क्योंकि दोस्तों हमारे पास तो खैर इतने पैसे नहीं हैं कि हम बोट में बैठ पाएँ, क्योंकि ये 250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लेते हैं। अगर आप लोगों का साथ रहेगा, आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो ज़रूर इसके अंदर बैठकर घूमने की भी मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आपका सपोर्ट चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ये देखिए बड़ी स्पीड से ये जाती हुई बोट, एक बोट वो है, बहुत अच्छा नज़ारा है। और भीड़ भी आप देख रहे हैं कि किस हालत किस कदर यहाँ भीड़ रहती है। और ये देखिए ये नीचे, अगर आप बाइक वगैरह नीचे खड़ी करना चाहते हैं तो नीचे खड़ी कर दीजिए, ये देखिए। और ये इधर होटल वगैरह बने हैं अगर आप रुकना चाहते हैं तो, पूरी व्यवस्था है। और आगे चलिए आगे और डैम बैराज दिखाते हैं। ये देखिए ये दोस्तों एक बड़ी ही स्पीड से ये बोट आ रही है। आज सब लोग कहानी खत्म कर देनी है।
जो सावला ना लास्ट मौका देना वो सब कर कर नाल नहीं होना था। ये देखिए दोस्तों, लगभग 200 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ये बोट आती हुई, और मैं आपको ये पूरी दिखाऊंगा। इसमें घूमने का अपना ही एक अलग लुफ्त तो होता है, अलग आनंद है, अलग अनुभव होता है। कभी भी अगर आप आएँ तो इसमें इस बोट में ज़रूर घूमें। हालांकि इस बोट का जो रेंट है वो काफ़ी महंगा होता है, एक सामान्य व्यक्ति इसमें घूम नहीं सकता। ये देखिए ये बोट 2 किलोमीटर का पूरा एक चक्कर लगाती है। ये देखिए, अगर आप सिंगल घूमना चाहते हैं अकेले, तो उसके लिए भी एक बोट है। ये देखिए, अब आप अकेले जा सकते हैं। अरे अरे ये जल्दी, ये देखिए दोस्तों, ये फिर से उस बोट में अब दोबारा लोग सवार हो रहे हैं, और अब ये चलने के लिए तैयार हैं। और एक बोट उधर से आती थी। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आ चुके हैं जो मेन बैराज है, जहाँ से पानी स्टाम में छोड़ा जाता है, उसके अपोजिट साइड एक बहुत ही घूमने की जगह है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ ये गार्डन बना है जो बहुत ही सुंदर है। आजा राहुल, यहाँ तो आओ, तुम्हारा फोटो नहीं आएगा फिर फायदा ही है। अरे ऐसे हाँ पीछे रे पीछे। ये देखिए दोस्तों, बस अब यहाँ और ज़्यादा दिखाने का कुछ नहीं है। ये देखिए पीछे रहते हैं, सो आओ नीचे चलते हैं। और देखिए दोस्तों, नीचे यहाँ बस एक गार्डन बचा है, तो गार्डन में आपको दिखा दूँ। इधर से इधर
चलिए दोस्तों, अब हम ये पूरा डैम मैं आपको दिखा चुका हूँ और अब हम रिटर्न होते हैं क्योंकि अब शाम हो चुकी है और हमारी मोबाइल की बैटरी है वो भी डाउन हो चुकी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँ। सो सांस फूल चुकी है क्योंकि काफ़ी ऊपर और नीचे हमें चढ़ना पड़ा है।